तो नाश्ता बन गया है, ये रोटी और ये तंदूरी की भुजिया। आज बहुत लेट हो गया कि इतना पानी पड़ रहा था ना, और ओला पड़ रहा था तो लाइन कटर रह गया, मतलब कि लगता है कि 1 बजे से पानी पड़ रहा था, 3 बजे ले लाइन कटर रह गया, उठबे नहीं किए तो लेट हो गया उठने में। आज हम तो भुजिया रोटी बना रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। यहाँ सुबह सुबह का समय है, नाश्ता बना लिया, ये रोटी और यहाँ पर कुंदरी के भुजिया दूध चढ़ाए हुए हैं अंजलि को देने के लिए। अब बोले ना कि लेट हो गया क्योंकि रात ना बहुत कस के अंधर और पानी आया। 1:59 का शायद आया था, हम उठे बहरी कपड़ा उपड़ा पसरल था तो हटाने के लिए, पानी नहीं पर ओला पड़ रहा था। पहला बार पटर 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 10 मिनट तक करते रहे। अंजलि को पहले दूध दे देंगे, तो मतलब खाना बनाएंगे एकदम बल्बे गम में, चावल दाल चोखा। यही सोचा कि चावल दाल चोखा बना देंगे और क्या करें, ऐसा तो टिपोरी है ना, दूध में कोठक छाली नहीं जाना चाहिए, टिपोरी टिपोरी ऐसे नहीं है। और कल जो दूध है ऐसे फट गया, 3 बजे दूध आता है तो 3 बजे दूध रहेगा, नहीं रहा फट गया। जा रहे हैं इसका दूध दे देने, तैयार हो गई है जाने के लिए। फिर सोच रहे हैं कि पूजा पाठ कर लेंगे ना, पूजा पाठ कर लेंगे तब खाना बनाएंगे, दाल उल बना लेंगे, दाल चोखा बना लेंगे, चावल पूजा करने के बाद। कै गो दू गो दिए हो? 2 गो ले लो। ये अजीब का खाए तो ले लो, तो इसका रोटी बनल है, दे दही आप लोग प्लीज राधा किचन ब्लॉग को आप लोग सपोर्ट करें। गिरा दिला वो गिरा नहीं, तू गिरा दूसरे उसका हॉर्लिक्स घोर ले रहे हैं। यहाँ दोपहर का समय है फ्रेंड, यहाँ पर दाल बनाए, लाइट ऑन नहीं किए, दाल बना लिए, चोखा मैश कर लिए, यहाँ पर दूध उबल रहा है, उबल गया, अब जा रहे हैं चावल चढ़ाने। चले ला टाइम पर भोजन के टाइम पर चले ला, अभी अभी आई है, टाइम हो रहा है, देख लीजिए 4 बजने में, यानी कि 3:30 हो रहा है, 15 मिनट तक घड़ी फास्ट है। अरे देखिए दुलरू दुलरू होगा, दुलरू दुलरू होगा, दुलरू दुलरू जा रहे हैं खाना लगाने। अभी अभी जस्ट बनाबे किए हैं चावल दाल गरम गरम चोखा। आज नवरात्र का 3रा दिन है, तो यही सब चल रहा है। ये देखिए चोखा बना लिए हैं और यहाँ पे दाल और यहाँ पे चावल, हम लोग बैठ के खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, वेलकम है। क्या है, हम भी थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि सुबह से रोटी खाएंगे। डेरी मिल्क और डेरी मिल्क, शाम हो गया ना, देख दीदी देख देख दीदी दीदी ये दीदी दौड़ दे रहा लोग इधर, चल दीदी चल गया ना।
खाना बनकर तैयार हो गया है, आलू परवल की सब्जी और यहाँ पे रोटी आधा मिठू कर दिए हैं, यहाँ पे खाएंगे। उसके बाद दो गो चार गो बर्तन रखा ले उसमेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग से बात करेंगे। आ रहे हैं नाश्ता बनाने, भिंडी की भुजिया और रोटी, मिर्चा फोरन और घी डाल दिए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। यहाँ पर बना रहे हैं भिंडी का भुजिया और रोटी कर देंगे ब्रेकफास्ट में, और खाना भी कर देंगे चावल और दाल। आइए देखिए किचन में सब यहीं पर बैठा रहेगा, हम रहेंगे तो सब यहीं पर रहेगा, कहनो इधर उधर नहीं। आशीष गया, क्या बोलते हैं, वो गया कोचिंग। अंजलि अभी सो रही है क्योंकि एक डेढ़ बजे पढ़ती है ना, तो अभी सुतल है, उठेगी नहाएगी, नहा के लाइब्रेरी चली जाएगी, तो हम नाश्ता बना लेंगे तब उसको उठाएंगे। रोटी सिर्फ बनाना है, भुजिया चढ़ गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये भुजिया भूत दिए हैं, एक करेला का है, एक भिंडी का है। अब जा रहे हैं आलू चना का सब्जी बनाने। सोचिए कि थोड़ा सा बात भी कर ले आप लोग से। वो कहते हैं ना फ्रेंड, गीता में लिखा हुआ है, जोर जोर और जमीन के लिए ही लड़ाई होता है घर में, होता है ना, राइट है? तो ये ना जड़ के लिए किया, ना जमीन के लिए किया, ना जोरू के लिए किया। घरों में बंटवारा हुआ ना, हम ऐसे सीनादान कहते हैं, तुम पूछे ना कैसे कर रहे हो, तुम कहे के लिए सफेद में पढ़ रही हो, तुम कहे के लिए पढ़ रही हो। इसके यथी से लगता था ना कि जैसे कि हम गुलाम हैं, इसके एकदम गुलाम, कुछ नहीं जान सकते हैं घर में क्या हो रहा है, कैसे बंटवारा हुआ, कौन खेत मेरा कहाँ है, क्यों क्यों तुम अय्याशी के लिए कोई भी खेत बेच दोगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरा बेटा बेटी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, तुम ही बताओ। दो गो फ्लैट हम उठाएं, दो गो फ्लैट हम उठाएं, तुम्हारा बाप निकाल दिया। जो भी बोल रहे हैं राइट बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं राइट बोल रहे हैं। कोई भी पूछ ले आके, यहाँ पर पता लगा ले। 6 बीघा बेच के हमारे बिहार में तो 2 फ्लैट बना हुआ था, नीचे रहे तो मार धार रोज वोट पेट बेकुट के साथ होता था। डेली वो अपना शर्ट फाड़ के बाहर निकलता था, बोलता था कि तुम्हारी पत्नी को मारी है, और वो हमको प्रपोज किया कि कुछ में जो हम कहेंगे वो करेगी, तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत अच्छे से रहोगी। क्या प्रपोज करना चाहता था वो हमको। तो सब्जी पहले छोंक लेते हैं तब बात करेंगे। सब्जी में पानी डाल दिए, अब पोछा ओछा लगाएंगे। तो कह रहे थे कि मतलब कुछ भी घर में होता था ना, पूछने जाएंगे तो बहुत चीख के बोलता था, बहुत चीख के। पता ना हमसे पूरा घर को क्यों दुश्मनी था शुरू से ही। इसी के चलते ये क्या किया ना कि देखा कि इसको कोई देख चाह नहीं रहा है, पलरा झाड़ के हमसे और बेटा बेटी से सीधे उधर पट्टी के पक्ष में चला गया। अब मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब कि पॉलिटिशियन किया, ये हम देखेंगे। राजनीति बहुत ज़्यादा किया मेरे साथ, मतलब ये नहीं लगता था कि नहीं ये भी साथ मिला हुआ है। हमको आज तक पता नहीं चला कि वो ये राजनीति मेरे साथ कर रहा है, कितना हम इस पर विश्वास करते थे, कैसे किया मेरे साथ। आज जो भी गलत काम किया, कितना घर को बुरा दिया ये, कितना घर को ये बुरा दिया, वो हम ही जान रहे हैं। लेट डूबा जो बोलता है ना कि बेटा के होता है, बेटा के लिए लोग अच्छी करता है, आई अपने हवस के लिए सारा चीज़ डुबो दिए। जितना दिन आज तक कमाया हमको 8 से 10 हज़ार, क्योंकि खुद ही बोला था कि हम कितना कमाएंगे, तुमको 12 हज़ार से ज़्यादा नहीं देंगे, याद होगा, सुन रहा होगा। तो कोई बात भी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पता भी लगा ली। भले आज बोला कि पैसा पर खड़ा करेंगे मर्द कि तुम्हारे साथ संबंध था, अब मिल के टोटली घर मेरे पीछे तो राजनीति कर रहा है, हमको कोट ऑफ डर नहीं है, जरा सा भी नहीं, क्योंकि कोई गलत हम किए ही नहीं, तो तुम कर क्या लोगे।
तुमको जैसे मारता था कूदता था तीनों, अब पूरा घर परिवार पिटाया है ना। हम तुम्हारे लिए उठे थाना पुलिस यहाँ तक किए कि इतना किए कि मतलब ई ऑफिस गए, एसपी ऑफिस गए, यहाँ गए, यहाँ गए, मतलब कि शुरू से ही, लेकिन थाना में केस नहीं आने दिया एडवोकेट। जो वहाँ से हम कंप्लेन करके आते थे सो थाना में आता था, लेकिन थाना में ही रोक देता था। लेकिन डेट हम याद कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर था ना, कि आप डेट याद रखिएगा ना तो आप कभी भी आके आप ऐसी कर सकते हैं कि हाँ मेरा वो क्या हुआ। तो डेट हमको याद है, डेट हम लिखिए थे वहाँ पर किए, बोला कि दो चार दिन में आपका थाना पर चल जाएगा तो एक्शन लेगा, लेकिन नहीं लिया थाना। हम समझ गए कि एडवोकेट कुछ किया है, यही सब दिखा के उसको बोला था ना थाना में, बोला ना हमेशा तो थाना पुलिस इस घर में होते ही रहे, तुम भी दो को बेटी हो ना रख ले, सबको इस घर में बेटी रख ले है ना, वही बेटिया को खड़ा करके ना बोला था मेरी बेटी को रेप करने की कोशिश किया। तुम्हारा भी हस्बैंड को बुला के, दोनों बेटिया के हस्बैंड को बुला के कहेंगे ना, बुला के कहेंगे तो तुम्हारी भी बेटी थी ना गंदी थी ना, कि बाप चाचा के रिलेशन गंदा किया। तुम लोगों ने ही कहा, तुम्हारा ये यास भाई बोला, तुम बोला, पूरा घर बोल रहा है क्योंकि ये बोलवा रहा है। एकदम साइड हो गया, हम तीनों को छोड़ के साइड हो गया कि भाई हमरा कुछ मत करी है, क्योंकि खूब पिटा इसको, इतना ही जिसको सब डराया कि तुम इसका पीछा इसके छोड़ दो, इसके पक्ष लेना, कुछ भी इसके साथ हम कर रहे हैं उस होने दो उसको। तो ये हट गया एकदम, कुछ भी हो रहा है इससे हमको मतलब नहीं, बस खाली फॉर्मेलिटी, अच्छा तो मत लड़ा, ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, भगवान देख रहे हैं ना तुम्हारे लिए, भगवान नहीं देख रहे हैं तुम्हारे लिए, भगवान है कि भगवान पर छोड़ दें, हम भगवान आएंगे यहाँ पर इंसाफ मांगने, कि भगवान पर छोड़ दे, धर्म दिखाता, मेरे लिए धर्म कहाँ गया था तुम्हारा, इतना दिन से हमको छोड़े हुए हो, मेरे लिए कहाँ गया तुम्हारा, भगवान नहीं देख रहे हैं तुम्हारे लिए, आँख उनका पट्टी सतर है क्या, मैं हमको आके देते थे, हम तो लड़ रहे आज तक लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, अब तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे, तुम्हारे लिए थाना पुलिस किए, यहाँ किए, वहाँ किए, इतना हिम्मत इसको बढ़ गया कि कोई घर में वकील जज रहेगा तो भाई वहाँ से डर के रहना है, चुपचाप सहना है, नहीं सहेंगे। तुम क्या बोला था याद है, बेटी बेटा को भी बोला, बेटी बेटा एकदम खींच गया, क्यों जाएंगे उसके पास, कि कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना तो जाके ना वकील से शिकायत करना, उनसे जाके बात करना, क्यों करेंगे, अपना संभालेंगे, नहीं संभलेगा मर जाएंगे, तू तो मुँह चोर है ये है, तुम तो दूसरे औरतें के फेर में रहता है, प्रसाद बारी के लिए पूरा घर उठ गया ना, उठा नहीं है वो, तुम जे दिए हो, जो घर में बंटवारा हो तो जो हमसे नहीं कहते हो, दिया होगा पैसा, ऐसी थोड़ी सब कर रहा है, तुमको साथ दे रहा है, इतना दिन से हम देख रहे हैं ना कि बिना इसके लिए तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अब मेरे घर के नो एंट्री है, तुम्हारे घर में कोई भी आ सकता है, बैठ सकता है, सो सकता है, तुम्हारा भाई आया था यहीं पे पी आया, उसका ड्राइवर आके बैठा रहा है, कौन ऐसा करेगा हस्बैंड, सोच लीजिए कितना गंदा नेचर के आदमी था, कि क्या ही हम लोग के बनाना चाहता था, अपना छोटा भाई के ये बैठ के, 3 साल का है लगता है कि 20 में हुआ था, उस वकील का छोटी बेटी का शादी था, तो यहीं पर अपना छोटका भाई के बुला के पिया के, वहाँ उसका ड्राइवर भेजे पियाया, और फैमिली घर में ऐसे करवाएगा, बेटी है जिसका जवान, जिसकी मेहरारू है, वो कौन करवाएगा ऐसे, तू ही करवा सकता है, तू जो घर में जाके कर, अब करवा दे, तुम्हारा भी घर में इंट्री बंद करेंगे, क्योंकि जो तुम करवाए हो ना इंट्री, तुम्हारा भी बंद होगा घर में, नहीं आने देंगे, जाओ कोर्ट कचहरी, तुम भी जाओ कोर्ट कचहरी, तुम किसी को घुसवा दो, किसी को बैठ के पीवा हो गया यहाँ पर ही, जाओ बैठो पियो, अच्छा खाना बनाओ तुम बैठ के, इतना तुम्हारा मारधार चलता था ना, अब मार दोगे, एक थप्पड़ भी चला दोगे, हथवा तोड़ के हथवा में रख देंगे, सुन ले हथवा तोड़ के हथवा में रख देंगे, तुम्हारे घर में ना पिटा रहा है, दूरा पर घिच घिच के सब औरत मार रही है, हम खानदानी थे सर हैं तो तुम क्या, तुम्हारा दिमाग माथा ऐसे चल रहा है, बेटा बेटी को भी नहीं छोड़ा, बक्सा कोची से मारा था अंजलि को, कि यहाँ पर दाग हो गया था कोची से, इतना मोटा एक तार लपेट के मारा था, तुमको है मोह माया, और तुमको तो भगवान इतना देंगे ना सजा, इतना देंगे तुम्हारा गतरे गतरे गल गल के गिरेगा, गतरे गतरे, तुम्हारा जो दोस्त है
वो क्लिनिकवा में जब परेशानवा करता है उसका तो जवनवा घींच के लपेटेंगे। जवनवा घींच के क्या बोला था हमको, कैरेक्टर लूज कैरेक्टर लेस औरत बोला था ना, तुम बोलवाया है ना, तुम्हारा भी जवनवा उसका जवनवा दोनों एक के साथ बांध देंगे, समझा। कैसे मतलब कि मार धार से कुछ भी हम बोलवा देंगे, तुमको चुप रहना तन धर के पीट देंगे, कौन सहेगा? जिसको डर नहीं रहेगा मार धार से वो सहेगा किसी का? तुम्हारे घर में कोई सहता है? औरतें तो पीट रही है मर्दाना को, औरतें पीट रही है मर्दाना को, दिखाते हैं नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। बहुत दिन से 24 साल तुम्हारा बर्दाश्त कर लिए, 24 साल तुम वही लाइफ हो, किचन में रोटी बनाओ, साया ब्लाउज कच्छी गंजी फींचो ऊपर पसारो, तुम इसी लायक थे। हम तुमको इज्जत दिलाए, बहुत गलती की, अपना कोई तुमको बोलता था हम उससे झगड़ जाते थे, क्यों मेरे पति को बोला, थू तुम्हारा जैसे पति का थू है। अब मेरे लिए तुम जाकर सट गया मेरे दुश्मन से, जो करो मेरे बेटा बेटी के साथ मेरे पत्नी के साथ छूट है। क्या है, खरीद के लाए हो क्या? तुम खरीदल हो, हम नहीं खरीदा। आज तक बोलता है ना, कितना दिन शादी के हुआ मेरा, 25वां साल में घुसे, कितना दहेज कितना लेगा, कितना लेगा तुम दहेज, कितना लेगा? तुम्हारा बाप भी कहता था, बाप भी कहता दे लू बापा पैसवा गे, कमा के रख दे रहा पप्पा ही का, सब जानी कमा के रख दे रहा है पप्पा ही। और तू अभी तक कहता है कि कितना मिल रहा है, कितना लेता, कितना लेता? लव मैरिज था, तुम्हारा बाप एगो खाली ढोलना दे के छोड़ दिया, मेरे हाथ से तो सारा मिला, बरियाती से सब किया, तुम्हारे जैसे तुमको नहीं लोग पसंद करता था, मेरी वजह से किया। जा रहे हैं फ्रेंड, अब सब्जी बन गया, चावल भी चढ़ाए हुए हैं, जा रहे हैं घर, बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट हो जाता है, हमको 1 बजता है खाने में, 1 बजता है, सारा काम संभालते संभालते हमको 1 बज जाता है। जा रहे हैं अब खाना बनाने, खाना बन गया, अब झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, अब बस पूजा करेंगे, उसके बाद खाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे।